हरभरा नमस्कार। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हम सुबह से कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये राय है, हमारे खेत में राय है। और ये देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा है ये राय। तो भाई, गांव में इस तरीके की राय होती है। ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो इतने चौड़े होते हैं। तो आज हम जा रहे हैं पूजा में, तो आपको वहाँ पर पूजा में मिलेंगे। कि गढ़वाल में पूजा करते हैं सभी लोग, मंदिर में जाते हैं, तो आज हम भी जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा हमारा, ये देखिए, ये है राय का, तो इतना बड़े होते हैं। तो मैं भी काटूंगा, सुबह नाश्ता बनाना है, बच्चों के लिए स्कूल जा रहे हैं। तो देखिए, इतने बड़े बड़े हैं। ये देखिए, ये भी बहुत ही बड़ा है, और बहुत ही सभी हैं बड़े हैं। ये देखिए इस तरीके से तो देखिए गाइस, मैं अभी फ्राई में बना रहा हूँ इसको। और भाई, इसमें जो पहाड़ी जैसे राय है, तो उसमें कोई मसाला नहीं जाता। मसाला अगर आप डालेंगे प्याज कूज, तो उसमें मसाला बहुत ही कम डालते हैं, और प्याज भी नहीं डालते हैं, टमाटर भी नहीं डालते हैं। और इसको तेली पे फ्राई करते हैं। तो देखिए, अभी हल्का सा पानी है इसमें, और जैसे प्याज डालोगे ना, तो इसमें बेकार ही हो जाता है और पूरा स्वाद बिगड़ जाता है इसमें। तो इस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए, अभी सब्जी बन चुकी है और बिल्कुल ही बढ़िया सी लग रही है। देखिए, ये देखिए, ताज़े ताज़े सब्जी है और बहुत ही टेस्टी हो रही है। तो हम चलते हैं उधर, तो इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सुंदर रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने गेहूं रखा था, और पक्षी भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए अभी इसमें साड़ी रखा है। तो अभी नहीं है, देखो अभी चले गए हैं। रखा था और हमें ही आता है, और रोटी खाने के लिए, और इसको देते हैं। ये देखिए, अभी खा रहा है। हमें ही आता है, दो कुत्ते आते हैं, एक वहाँ पर काका जी का भी आता है, उसको भी देते हैं। और हमारा तो कुत्ते को बाघ ने मार दिया था। ये है कालू, हाथी दी, हेलो को, ये हाथी दे, नहीं दे रहा है, डर रहा है शायद। और यहाँ पर प्रियंका खाना खा रही है और चाय पी रही है। और हम जाएंगे तो मंदिर है सामने वाली पहाड़ी भी, ये देखिए, यहाँ से नहीं दिख रहा है, चलेंगे हम वहाँ पर जाना। मंदिर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं। और भाई, अभी पूजा की तैयारी की जाएगी। और ये है रितीज, तो रितीज भी आ रखा है आज यहाँ पर। देखिए, पूजा भी हो चुकी है और हम जा रहे हैं घर, और मिलते हैं आपको घर। तो गाइस, अभी यहाँ पर कटिंग चल रही है, और यहाँ पर देखिए, नीचे ग्राउंड में रखा है, और ये देखिए कटिंग चल रही है यहाँ पर। नाप सूत लग रखा है यहाँ से। इस तरह से बाजू की कटिंग इस तरह से बना दी है, ये देखिए, और बाकी सब भी हो गए हैं। और ये वाला बाजू, ये पल्ले का है, और ये देखिए इस तरह से होता है, ये देखिए। और सलवार का है अब फिटिंग करना, तो अभी होगा। यहाँ पर ये कपड़ा रखा है, भी यहाँ पर धूप ही चली गई है, ये देखिए, तो वहाँ पर चली गई है, शेषनागपन पर्वत के सीधा नीचे, ऊपर गांव का नाम है वहाँ पर, घिवाणी कहते हैं। और वहाँ से ये देखिए, और सिर्फ इस धार में बची है, ये देखिए, और ये धार में भी है, इस धार में भी है, और उधर वाली साइड तो भाई जल्दी धूप लग जाती है, और शाम को बहुत ही ज़्यादा समय तक वहाँ पर फेंका में धूप रहती है, यहाँ पर जो गाँव दिख रहा है।
तो वहाँ पर धूप शाम तक रहती है और इधर साइड सभी रहती है, और यहाँ पर तो भाई थोड़ा यहाँ पर वो है चट्टान है इधर से, तो उस वजह से नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए भाई, तो अभी हम घर पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हो रही है सिलाई, और शिवम यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और सत्यम भी यहाँ पर भाई पढ़ाई कर रहा है, और यहाँ पर अभी सिलाई हो रही है। तो गाइस भाई, कल या संडे के दिन हमारे जो भी न्योजा निशान होते हैं पांडव के, वो आ रहे हैं बाहर और उसको नचाते हैं। तो भाई आप लाइव देखिएगा, जो हमारे डेली ब्लॉग देखते हैं तो उनके लिए हम लाइव चलेंगे, तो आप लाइव दर्शन कर सकते हैं भगवान पांडव जी के। तो जगह भाई धूप भी चल चुकी है, अभी हल्की सी धूप थी वहाँ पे, तो अभी भी नहीं है, और ये देखिए धूप भी चली गई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो बहुत बहुत धन्यवाद।